गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ कैंटलॉग्स। तो कैसे हम लोग आजकल देखकर सुन रहे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं KTM के शोरूम वापस से अपनी गाड़ी क्लेम डलवाने, क्योंकि अभी हाल फिलहाल 30 की नाइट को छोटे वाले भाई का एक्सीडेंट हो गया था और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। वो इधर बैठा हुआ है, जस्ट देखो ये है, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। हेलो, और कैसा लग रहा है भाई आपको? बहुत मस्त लग रहा है भाई, अभी ऊपर जाके पैर टूटने की खुशी में कितना अच्छा लग रहा है इनको। गाड़ी में खर्चा शायद 10 से 15 हज़ार जो भी आएगा देखा जाएगा, क्लेम पे है। तो तब तक चलते हैं, तब दिखाते हैं आपको। गाइस ये खड़ी हुई है अपनी गाड़ी, देख लो उसकी हालत, बाकी यही गया हुआ है। और ये जो है इसका हैंडल जो है, हैंडल टेढ़ा हो गया है, कैंची वगैरह फंस रही है हल्की सी, और बाकी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। खर्चा मेरे ख्याल से कम ही आना चाहिए, बस देखते हैं खर्चा कितना आता है। अगर खर्चा कम से कम आएगा तो सामने वाले के लिए बेटर है, वरना सामने वाले के लिए दिक्कत होगी। तो अभी चलते हैं, गाड़ी निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। गाइस देखो इस ट्रिक से आप लोग सब अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सीलेटर का नहीं है, खड़े का है वो। छोड़ दे, छोड़ दे, रहने दो, रहने दो, चलो करो करो, कुछ करना नहीं है अभी। एक्सीलेटर लेना है तुमको यार, वो स्टार्टिंग ना लो, खराब हो जाएगा उन्हें इधर। एक्सीलेटर नहीं भाई, अभी ये जा रहे हैं रिक्शे में, क्योंकि स्टार्ट नहीं हो रही, इसका इंजेक्टर चला गया है। और जस्ट स्टार्ट करके देखते हैं इसको। रखवा रहे यार, नहीं होगा। लद गई अपनी गाड़ी। गाइस ये है अपनी गाड़ी KTM, तो अपनी एक्सीडेंट हो गया छोटे वाले भाई का, फ्रैक्चर हो गया। पहले आपने देखा थंबनेल में जो इंट्रो था उसमें देखा आपने, और अभी इसको जा रहे बनवाने। देखो 10-20 हज़ार 25 हज़ार जितने खर्चा आता है, क्लेम पे तो खैर आधा ही हो जाएगा डायरेक्ट प्लास्टिक का, उसके बाद देखते क्या होता है। चलते हैं आपको, तो ये मालिक आ गए हैं, अभी हम लोग चल रहे हैं। कानपुर में खाई है बेलपूड़ी, ये देखिए बच्चे को लेकर मालिक ने रिएक्शन देने के लिए, रिएक्शन के लिए बनाया, बताया है रिएक्शन बनाओ, रिएक्शन बनाओ। ये देखो भाई अपना पीछे देख रहे हैं, निकालना। आज आ गया शोरूम अपना, गाड़ी चली गई अपनी, अंदर जा रही है, नीचे वही बकचोदी हो रही है। भाई जो डॉक्यूमेंट सही होते हैं क्लेम पास करने के लिए है इंश्योरेंस फॉर्म, ये है RC, और उसके
उसके नीचे है सेकेंड फॉर्म जॉब, सेकेंड इंश्योरेंस का पेपर, और ये है क्लेम फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म जो नीचे फट के हमको वापस मिलेगा, और ये है ब्लैंक चेक, कैंसिल चेक, इसके बाद ये आधार कार्ड, ये उसका बैग, और ये है मेरा लाइसेंस। जो भी ज़रूरत पड़ती है क्लेम को, मतलब कोई चीज़ का क्लेम लेने के लिए, और अभी बच्चे हम जमा करते हैं तब दिखाते हैं आपको। ऐसे खड़ी है अपनी केटीएम, जो इस समय चलने फिरने की हालत में भी नहीं है, ये गंदी हुई पड़ी है, जब से छोटा वाला भाई गिरा है तब से गाड़ी चली नहीं है ना, स्टार्ट हुई है, और यहाँ पर है गाड़ियाँ लगी हुई हैं अपनी, देखो कितनी देर में बनेगी, क्या होगा, कितने दिन, मतलब 8 से 10 दिन तो लगना ही लगना है। गाइस ये अपनी बाइक जो है ये क्लेम हो चुका है इसका, और बाकी अभी जॉब कार्ड मिल जाएगा हम लोगों को, जॉब कार्ड मिल जाएगा, और जो भी बिलिंग वगैरह वो कच्चा बिल बना के, मतलब कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा वो कल भेज देंगे भैया, और मैं भेज दूँगा उसी को, और बाकी जितना भी आएगा मेरे, आई थिंक अप्रॉक्स 1.5 गड्डी तो आएगा ही आएगा, 15,000 अप्रॉक्स, और बाकी 50-50 का क्लेम है, प्लास्टिक का क्या है, कितना रेट आएगा सब वो बताएँगे अगले ब्लॉग में। तो भाई यहाँ से ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, तब तक के लिए बाय बाय।